कासगंज के पटियाली क्षेत्र के दरियाबगंज चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक देवी सिंह ने सरकारी रिवॉल्वर से संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। देवी सिंह दरियाबगंज चौकी पर उपनिरीक्षक पद पर तैनात थे। आज जब उपनिरीक्षक का शव मथुरा लाया गया तो गुस्साए परिजनों ने थाना यमुना पार क्षेत्र के लोहवन के पास जाम लगाकर जमकर हंगामा काटा। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और गुस्साए परिजनों को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन परिजनों का कहना था कि जिसे आत्महत्या बताया जा रहा है वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या है। परिजनों का कहना था कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो और इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। तुम्हारे पास खबर कब आई? ये पता कब चली तुम्हें? भैया 4 बजे 10 बजे 9 बजे उन्होंने हमारे पास फोन किया है, ठीक है कि नहीं, और खुद ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, हमें पता भी नहीं चला। घटना स्थल पर नहीं पहुंचाया है, हमें कोई जगह नहीं दिखाई, ना मैं उनका मोबाइल दिया काकी बात है, काकी बात है। कौन सी थाने? पटियाली चौकी, पटियाली चौकी, पटियाली में पड़ती है। कासगंज से आगे है, जो कासगंज से आगे है, कौन लूटी है? क्या क्या नाम है पिताजी का? क्या नाम है? देवी सिंह नाम है उनका। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।